There is one minority in Pakistan that is discriminated against, not just by law, but also at every stage, at every place, and those are the Ahmadis. They are not allowed to even rest in peace. Their graveyards are now being desecrated to the great shame of all Pakistanis. I now invite Mr. Qamar Suleiman to speak about his travels. इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, जमाते अहमदिया के की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप बताएं कि आप पर क्या गुजर रही है इस वक्त. शुक्रिया परवेज साहब, आप सबका भी शुक्रिया, और ख़ुसूसन आसमा जहांगीर साहबा की फाउंडेशन ने जो ये मौका फराहम किया, इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं. तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन सारे मुल्क में चल रहे हैं. और ये जो दहशतगर्दी है या इंतहा पसंदी है, ये बढ़ती चली जा रही है. हर रोज़ देखते हैं, अब तकरीबन हर रोज़ देखते हैं टेलीविज़न पे ख़बरों में कि क्या हो रहा है. अभी पीछे जो प्रॉब्लम्स आई, हुकूमत का काम होता है मुल्क में अमन व अमान की क़याम और हर शहरी की जान माल की हिफाजत करना, सेहत प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, माशी तरक्की के लिए रास्ते प्रोवाइड करना, मूवमेंट नकल व हमल के लिए करना. लेकिन जब हुकूमत घुस जाती है अकायद में और मज़हब में और सोच में, तो वो घुसती सिर्फ अपने मफाद के लिए है. अब यहाँ जो हो रहा है, तो मुझे वो गालिब का एक शेर है, या गालिब का या किसी और का है, कि तू मशक़े नाज कर खून दो आलम मेरी गर्दन पे. तो हुकूमत ने उनको खुली छूट दी हुई है कि तुम जो मर्ज़ी करो, जो कत्ल गारतगरी करो करो, तुम आज़ाद हो. तो ये जो रवैया है, ये मुल्क को बड़ी एक ऐसी घाटी की तरफ लेके जा रहा है जिससे निकलने का रास्ता शायद बाद में ना मिले. मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को, जिस तरह कल्पना साहब ने कहा, इन्होंने वैसे स्टेक होल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि किसी मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं कौन. स्टेक होल्डर तो अवाम है, जिसका जो असल में है, लेकिन खबर आ रही होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया गया. तो कोई कंपनी तो नहीं है जिसमें किसी के शेयर है, जिसमें मुनाफा है, जिसमें नुकसान है. ये तो आप लोग हैं, हम लोग हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं, और अगर कोई स्टेक होल्डर हैं तो हम हैं. तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को मुत्तहिद होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए, और मुसलसल जद्दोजहद करनी चाहिए. आखिर क्यों हुकूमत इन लोगों की तरफ इनकी फेवर करती है? इसलिए करती है कि उसको अपने वोट बैंक का ख़तरा होता है. तो अगर उनको ये पता हो कि जो शरफा का वोट बैंक है वो उनके ख़िलाफ़ जाएगा अगर वो ये हरकतें करेंगे, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे. तो एक तो ये है कि हमें इस बारे में मुत्तहिद होना चाहिए. जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, 74 में हमें आइन में गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, चलो करार दे दिया. 84 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसने पाकिस्तान पिनल कोड में एक दफ़ा की इजाफा किया गया, जो 298C थी, और उसमें जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एनी अहमदी हु इवन पोजेस टू बी अ मुस्लिम विल बी इम्प्रिजन फॉर 3 years. अब पोजेस टू बी अ मुस्लिम बड़ी एम्बिगुअस टर्म है. मैं आपको सलाम कहता हूँ, पोजेस टू बी अ मुस्लिम, इस पे केसेस हुए, इस पे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई. तो ये आगे फिर बात चलती चली गई. वो जो बात जब चलती है ना, तो रुकती नहीं है. एक बात याद रखें कि जो इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है, या इंतहा पसंद कह लें, फंडामेंटलिस्ट है, वो एब्सोल्यूट पावर से नीचे कुछ नहीं चाहता. आपको गलतफहमी है कि आप उसे माहदा कर लेंगे, वो अपने अहद की पासदारी करेगा या अपनी ज़ुबान की इज्जत करेगा. नहीं करता वो. आगे से आगे से आगे से आगे
बढ़ता चला जाता है जब तक उसको आप उसके हाथ में कोड़ा ना पकड़ा दें, उसने उससे काम पे राजी नहीं होना। वैसे इसमें मुझे वो एक अमेरिकन इंडियन की कोटेशन थी, अमेरिकन जो इंडियन अमेरिकन चीफ था उसने एक दफ़ा लिखा कहा कहीं कि द वाइट मैन केम टू अवर लैंड एंड ही मेड मैनी प्रोमिस एंड ही ब्रोक एवरी प्रोमिस बट ही केप्ट वन प्रोमिस दैट ही विल टेक अवर लैंड एंड ही टुक अवर लैंड। तो ये पोजिशन है इंतहा पसंदों की, उन्होंने नहीं राज़ी होना। वो जो आपसे वो कोई तो माहदा करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो उसकी उन्होंने पासदारी करनी है, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने मज़ीद ताकत हासिल करनी है। तो प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा कर करके, वो कहते हैं नाजी जर्मनी में जो यहूदियों के बारे में पहले इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि जो जनरल पब्लिक थी वो समझने लग गई कि यहूदी हैं ही ऐसे, और जब उन पर जुल्म शुरू हुआ तो फिर किसी को परवाह नहीं थी। तो ये पोजीशन हमारे मुल्क में की जाती है, आपकी ज़ुबान बंदी है, आपको कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। हम इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 4-1 ये फैसला हुआ कि ये ऑर्डिनेंस इस्लामी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अमूमन दुनिया में झूठे झूठ पे सज़ा दी जाती है ना, कि ये झूठ बोलता है इसको, हमें सच पे सज़ा दी जाती है। हमें कहा जाता है कि तुम्हारा जो अकीदा है तुम वो बयान करो तो तुम्हें 3 साल कैद है, अगर तुम वो अकीदा बयान करो जो हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बयान करो तो तुम हमारे भाई हो। यानी झूठ के ऊपर इनाम और सच पे सज़ा का तसव्वुर। और ये याद रखें कि ये तारीख भूलती नहीं है, पाकिस्तान के आइन और कानून की जब भी स्टडी होगी ये हमेशा इन अछूते कानून को का हासिल मुतालिया रहा करेंगे। अब इस वक्त फिर ये मतलब कोई अखलाकियात किसी जगह कहीं हमें पता लगे ना कि किसी जगह किसी मज़हब किसी अखलाक की पासदारी हो रही है। साइबर क्राइम्स में हमारे इस वक्त 6 बंदे अंदर हैं। क्यों अंदर हैं? उन्होंने कुरान मजीद शेयर किया। यानी ये तो हाल है कि अगर आप कुरान मजीद को शेयर करते हैं तो आपको कैद हो जाती है। और फिर एक FIR में उसने कहा जी कि मैं इनके ग्रुप में फेक आइडेंटिटी से घुसा, और मैंने अपना एक गलत नाम और गलत वो करके तो इनके घुसा, और जब मैंने देखा कि ये तो कुरान मजीद शेयर कर रहे हैं, बड़ा जुर्म हो गया, तो वो फिर कैद किया गया उनको। फिर FIR में पहले वो 298C वाली बात अब ख़त्म हो गई है, अब वो लगाते हैं 295C सजाए मौत। FIR में उन्होंने 295C लगाई और तफ्तीश के दौरान लड़का है बेचारा यंग सा लड़का है उसे पूछा कि भाई तुम्हारा कौन है इंचार्ज कौन है, उसने कहा नाम बता दिया। तो अप टू द टॉप कमांड हमारे सारे उसने नाम डाल दिए कि जी ये सारे इसके मुजरिम हैं 295C। और 295C के केस में 3 मुलजिमों को सजाए मौत हो चुकी है, वो मतलब हैंग तो नहीं किए गए लेकिन आप अपील में है, लेकिन उनको अदालत ने लोअर कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई। और जब उनकी FIR जब दर्ज हुई, FIR किस बात पे दर्ज हुई? हमारे खिलाफ़ एक पोस्टर लगा हुआ था उनके घर के सामने, उन्होंने वो फाड़ दिया, शोर पड़ गया, गुस्ताखी हो गई। FIR दर्ज हुई तो उसमें 295C नहीं थी, कोर्ट ने खुद 295C डाली और उसके बाद सजाए मौत सुना दी। तो ये जो सूरत हाल है ना ये बहुत तकलीफ़ देह है। ये इन्होंने बात की, मैं सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ एहसास हो कि हम का क्या फेस करें, मतलब कि आप पे क्या गुजरी है। तो मेरे पे जो गुजरी है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने अपना बहनोई जिसको सपाए साबा वालों ने अगवा करके गोली मार के मार दिया था, मैंने खुद दफन किया। ये 99 की बात है, अमेरिका से पढ़ के आया था, बड़ा मासूम और बड़ा ज़हीन लड़का था, उसने बोर्ड टॉप किया था KPK में, पेशावर बोर्ड, उसको उन्होंने गोली मार के मार दिया। क्या तुम अचीव क्या करना चाह रहे हो? मेरी बेटी की घर जेल में उन्होंने जला दिया, जला के राख कर दिया कि जी इन्होंने कुरान की गुस्ताखी की है। जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उनका वो मैनेजर था फैक्ट्री का,
उसने कहा मेरा बेटा तो खुद हाफिज़ कुरान है, मैं किस तरह कुरान की गुस्ताखी कर सकता हूँ। वो शुक्र है जस्टिस फायज ईसा साहब ने उसको बरी किया, लेकिन उनका घर जल गया। वो एक दिन पूछ रही थी अपने कज़न से कि मेरी शादी की कोई तस्वीरें किसी के पास हैं तो मुझे दे दो, क्योंकि जो मैंने एल्बम बनाई थी वो घर में जल के राख हो गई। तो इसे किस इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं मुझे तो नहीं समझ आती, या किस मज़हब का पैगाम दे रहे हैं। वाजिबुल कत्ल के फतवे, कोई आपकी साइबर क्राइम्स, कोई जो हेट, हमारी सारी किताबें बैन कर दी, वन टू ऑल, हमारे रिसाइल बैन कर दिए सोशल मीडिया पे, यहाँ तक के इन्होंने गूगल को नोटिस दे दिया कि दो अमेरिकन अहमदीज ने अहमदियत की जो शेयर की है तालीम, उनको रोका जाए वरना हम यहाँ गूगल बंद करा देंगे। तो ये है पोजीशन। बहरहाल खुदा करे कि आसमा जहांगीर साहब की जो फाउंडेशन जो काम कर रही है इस तरह, इसको मज़ीद मुनज़्ज़म और सारी सिविल सोसाइटी को करना है, वरना हम Thank you.